हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कल हम फिर से एक नया वीडियो में ओके गाइस, तो अभी किस वीडियो में हम बात करने वाले इंडोनेशिया सर्वर के न्यू इवेंट के बारे में। वैसे गाइस, आज के दिन हमारे गेम में एक न्यू इवेंट का कैलेंडर आया हुआ है जो कि FFWS इंडोनेशिया 2024। और अभी के टाइम में ये टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड सीरीज का, तो इसीलिए जो हमें यही वाला कैलेंडर अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है। और जिसमें से देख लीजिए, हमें जो है ना ये सब रिवार्ड्स फ्री में मिलने वाला है। और उसके बाद 3 मार्च को जो है ना इस टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है। ओके गाइस, तो इसमें सबसे पहले आज के दिन तो हमें एक गुलवाल का स्किन फ्री में मिलने वाला है, जिसके लिए सबसे पहले जो है ना हमें ये वाला टोकन कलेक्ट करने होंगे। ओके गाइस, तो इसके लिए हमें कलेक्ट करने होंगे सबसे पहले ये रेड ड्रैगन टोकन। और ये टोकन हमें एक पीस लॉगिन करने के बदले में मिल रहा है, और 15 मिनट खेलने के बदले में जो है ना हमें यहाँ पे 2 पीस टोकन मिल रहा है। 2 बार BR रैंक गेम खेलने के बदले में 2 पीस, बाकी 2 बार CS रैंक गेम खेलने के बदले में 2 पीस मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग थॉमसन से किसी भी गेम में जाकर 5 किल करते हैं तो जाकर हमें 3 पीस और टोकन जो है यहाँ पे ये क्लेम करने को मिल जाएगा। और उसके बाद गाइस, जब हमारे पास पूरे के पूरे 50 पीस ये रेड ड्रैगन टोकन कलेक्ट हो जाते हैं, तब जाके जो है ना हमें ये गुलवाल का स्किन बिल्कुल फ्री में ही एक्सचेंज करने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा इधर भी कैरेट्स वगैरह दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, हमें एक सर्फ बोर्ड का स्किन भी फ्री में मिल रहा है, और ये 28 फरवरी को हमें मिलने वाला है। और इसे क्लेम करने के लिए जो है ना हमें अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलना होगा, और वो भी 10 बार। और इसके अलावा यहाँ पे भी हमें कैरेट्स देखने को मिल रहा है, जिसमें कि देख लीजिए इसमें पेड़ देखने को मिल रहा है, और उसके बाद इस वाले क्रेट में जो है हमें बंडल देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा भी इस कैलेंडर से जो है हमें और भी इनक्यूबेटर वाउचर वगैरह जो है ना मिलने वाला है। ओके गाइज, तो इस कैलेंडर के बाद जो हमारे गेम में न्यू इवेंट आने वाला है वो होने वाला है रमजान इवेंट। तो गाइज, रमजान इवेंट में हमें कौन कौन से रिवार्ड्स देखने को मिलने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ओके गाइज, तो जब हमारे गेम में रमजान इवेंट आएगा तो सबसे पहले उसमें देख लीजिए, हमें जो है एक मेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि रमजान इवेंट के थीम पर बना हुआ है, जो कि अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। और इसके अलावा जो है ना हमें एक फीमेल का भी बंडल देखने को मिलेगा, जो कि उसी के थीम पर बना हुआ है। और हो सकता है कि ये फीमेल का बंडल जो है ना हमें फ्री में ही मिल जाए रमजान इवेंट में। बाकी गाइज, इसके अलावा एक और यहाँ पे जो है हमें बंडल देखने को मिल रहा है, जो कि फुल्ली व्हाइट कलर का होने वाला है। और ये बंडल भी हमें जो है ना रमजान इवेंट में ही देखने को मिलेगा। और उसके अलावा गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, हमें एक और बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है कैमल बंडल, जो कि देखने में यहाँ पे देख लीजिए काफी ज्यादा फनी लग रहा है। और ये बंडल भी हमें रमजान इवेंट में ही देखने को मिलने वाला है। बाकी गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, हमें एक गुलवाल का इवेंट भी देखने को, मेरा मतलब है गुलवाल भी देखने को मिलने वाला है। और उसके अलावा गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, रमजान इवेंट में जो है हमें ये मास्क भी देखने को मिलेगा, और इस मास्क को हम जो है ना मेल और फीमेल दोनों में यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे रमजान इवेंट के थीम पर बना हुआ हमें ग्रेनेड का स्किन भी देखने को मिलेगा, और उसके अलावा हमें पेन का स्किन भी देखने को मिलेगा। बाकी गाइज, रमजान इवेंट में जो है हमें अस्कार का जो है एक न्यू स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे देख लीजिए। और इसमें हमें जो है ना आर्मर प्रेटेशन डबल प्लस देखने को मिलेगा, रेट ऑफ फायर सिंगल प्लस, बाकी इसमें हमें जो है मैगजीन सिंगल मैनेस देखने को मिलेगा। और इस अलग गन में आप लोगों को जो है ना एनिमेशन भी देखने को मिलेगा। बाकी गाइज, और रिवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, हमें एक शॉटगन का स्किन भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि हमें एक्यूरेसी सिंगल प्लस, बाकी रेंज सिंगल प्लस, और उसके बाद मूवमेंट स्पीड जो है सिंगल माइनस देखने को मिलेगा। बाकी गाइज, हो सकता है कि ये वाला शॉटगन का स्किन जो है ना इस बार हमें फ्री में ही देखने को मिल जाए, क्योंकि ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ये वाला स्किन जो है हमें फ्री में ही मिलने वाला है। बाकी हमें न्यू कटाना का स्किन भी देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे देख लीजिए। और उसके बाद हमें रमजान इवेंट के थीम पर बना हुआ म्यूजिक देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमें जो है ना रमजान इवेंट के थीम पर बना हुआ रमजान रॉयल वाउचर भी देखने को मिलेगा, जो कि आजकल हर एक इवेंट में जो है हमें अलग अलग रॉयल वाउचर जो है देखने को मिलता है, वैसे ही रमजान इवेंट में हमें ये ग्रीन कलर का वाउचर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा मिशन वगैरह कम्प्लीट करने के बदले में हमें कुछ कैरेट्स मिलेंगे, और इस कैरेट्स में हमें जो है ना कुछ रिवार्ड्स मिलने वाले हैं। बाकी गाइज, रमजान इवेंट में मतलब कुछ टोकन्स कलेक्ट करने होंगे हमें मिशन कंप्लीट करने के लिए, तो वो टोकन कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, अदर टोकन्स भी हमें देखने को मिल रहा है। ओके गाइज, तो रमजान इवेंट हमें इंडोनेशिया सर्वर में जो है ना 11 मार्च को शायद से देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइज, अभी किसी रूम बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।